चूज़ है क्या? हम दोनों समझदार लोगों की तरह हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत ही ज़्यादा क्यूट मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है दी मरमेड। आई नो कि बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को पहले ही देख चुके होंगे, लेकिन जिस लोगों ने भी नहीं देखा है उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना? तो वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें इंसानों की काली करतूतों को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे इंसान नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और भी बहुत कुछ दिखाया जाता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक बॉम्ब टाइप की चीज़ पानी में भेजते हैं और वो चीज़ पानी के अंदर जाते ही एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से साउंड वेव्स निकलने लगते हैं, जिस वजह से पानी की मछलियाँ इधर उधर भागने लगते हैं। अब सीन यहाँ कट हो जाता है और हमें एक नीलामी की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे अमीर अमीर लोग एक जगह के ऊपर बिड लगा रहे थे और इस जगह का नाम होता है ग्रीन गोल्फ। तो बीट लगाते लगाते बहुत सारे अमीर लोग अपना हाल छोड़ देते हैं, लेकिन आखिर में दो ही बंदे बचते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है लुई और दूसरे का नाम होता है रोलेन। और दोनों ही एक एक करके बीट लगाने लगते हैं, लेकिन आखिर में लुई जो है वो सबसे बड़ा बीट लगा देता है और उस जमीन को 200 करोड़ रुपए में खरीद लेता है। अब लुई अपने घर में एक बहुत ही शानदार पार्टी रखता है जिसमें सारे के सारे अमीर लोग आते हैं और इन लोगों के बीच रोलेन भी होती है। तो वो लोग बैठ के बातें करने लगते हैं और एक बंदा लुई को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास पैसा तो है लेकिन तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, क्योंकि वो जो ग्रीन गोल्फ जगह है उस जगह पर डॉल्फिन्स रहते हैं और उस जगह पर कोई भी बिल्डिंग्स बनाने का सरकारी परमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन लुईस जो है वो पहले से ही सरकार से सारे के सारे परमिशन्स ले चुका था। तो ये देखकर वो बंदा भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि लुईस पार्टी में बहुत सारे लड़कियों के बीच बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। तभी वहाँ पर रोलेन आ जाती है और वो उन लड़कियों को भगाने के लिए अपनी 1 करोड़ की वॉच पानी में फेंक देती है। और ये देखकर सारी लड़कियाँ झपट पड़ती है उस पानी में और सारे आपस में लड़ाई करने लगते हैं उस घड़ी को लेकर। तो ये देखकर लुईस भी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। अब लुईस और रोलेन के बीच थोड़ा सा केमिस्ट्री बनने लगती है और दोनों बिजनेस डील्स के बारे में थोड़ा सा बातें करने लगते हैं। अब दोनों थोड़ा सा पास आ ही रहे होते हैं चूसने के लिए, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उन लोगों की चुम्मा चाटी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। ये लड़की बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही थी और मेकअप भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कर रखी थी। तो ये देखकर रोलेन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इसको अंदर आने किसने दिया, और इतना बोलते ही रोलेन वहाँ से चले जाती है। लेकिन लुईस जो है वो उस लड़की के पास आती है और पूछती है कि तुम अंदर कैसे आए। तो वो लड़की बोलती है कि मैं चोरी छुपे अंदर चली आई। और फिर लुईस अपने गार्ड्स को बोलता है कि चलो इस लड़की को बाहर फेंक दो, लेकिन तभी वो लड़की अपनी फ़ोन नंबर लुईस को दे देती है और बोलता है मुझे फ़ोन ज़रूर करना, और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत सारी शॉपिंग्स भी करती है और ढेर सारे चिकन तंदूरी भी लेती है। ये सब शॉपिंग करने के बाद वो चली जाती है अपने घर में और उसके घर ग्रीन गोल्फ में ही होती है। घर में घुसने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की एक अंडरग्राउंड टनल की मदद से होते हुए एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है और वहाँ पर और भी कुछ लोग होते हैं जिनके साथ वो बातें करने लगती है। अब सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें लुईस की बोर्ड मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब अपनी प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहा था। तभी लुईस रोलेन के साथ कुछ तो करने लगता है। तभी रोलेन उसको बोलती है कि तुम्हारी औकात सिर्फ बाजारों लड़कियों तक ही है। तो यहाँ पर लुईस जो है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही उस लड़की को फोन लगा देता है और बोलता है कि तुम 10 मिनट में रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। इसी बीच हमें पता चलता है कि ये लड़की एक मरमेड है और वो जिन लोगों से बात कर रही थी वो सारे के सारे भी मरमेड है। तो अब लुईस की आने की खबर सुनकर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग लुईस को अपनी चाल में फंसाकर लुईस को मार डालेंगे, क्योंकि उसका जो सोनार प्रोजेक्ट है उस वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उसी की प्रोजेक्ट की वजह से वो लोग अब पानी में शांति से तैर भी नहीं सकते। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा जल्दी से रेडी हो जाते हैं अपने अपने हथियार लेकर, लेकिन गेट खोलते ही वो मरमेड देखती है कि यहाँ पर लुईस नहीं है, बल्कि वो अपने 3 चेलों को उसे पिक करने के लिए भेज दिया है। तो यहाँ पर इन लोगों का प्लान काम नहीं करता। अब वो 3 बंदे उस मरमेड को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक ऑक्टोपस बंदा आता है और उस मरमेड को उसकी बैग पकड़ा देता है। लेकिन यहाँ पर 2 गार्ड्स को उसके टेंटिकल्स दिख जाते हैं और वो उस टेंटिकल्स को लेकर बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जिस वजह से उस ऑक्टोपस बॉय को थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो वो बोलता है कि मैंने इस ऑक्टोपस को पकड़ा है और इस ऑक्टोपस को मैं खाने वाला हूँ, और ये बोलकर वो उन गार्ड्स को वहाँ से भेज देता है उस लड़की के साथ।
और उस लड़की को अपने इशारे से समझा देता है कि तुम्हें अपनी मिशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब वो लड़की लुईस के ऑफिस में पहुंच जाती है और यहाँ पर वो सोचती है कि लुईस शायद अब उसके साथ मिलने के लिए आएगा, इसलिए वो एक पानी के ग्लास में थोड़ा सा जहर मिला देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर लुईस के बदले उसका एक और चमचा आ जाता है और वो आकर उस लड़की से बहुत ज्यादा पूछताछ करने लगता है। पूछताछ के बीच वो बंदा उस पानी के ग्लास को उठाकर पी लेता है और तभी उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, यानी कि उसने वही जहर वाला पानी पी लिया था। लेकिन यहाँ पर वो लड़की एक देसी की बोतल लेकर उसके मुंह पे छिड़क देता है, जिस वजह से वो बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन वो बंदा दोबारा से पानी पी लेता है और वो गिर जाता है। लेकिन इस तरफ मरमेड लुईस को देख लेती है और इस वजह से वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। चलते चलते वो लुईस की पर्सनल ऑफिस तक पहुंच जाती है और यहाँ पर वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगती है। वो बैग से दो सी अर्चन निकालती है और एक एक करके लुईस के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन दोनों ही सी अर्चिन आके उसके ऊपर लग जाता है, जिस वजह से उसके भी मुंह से झाग निकलने लगती है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और वो अपने बैग से एक चक्कू निकालती है और लुईस के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस बार भी नाकाम रहती है। अब वो उड़ के जाती है लुईस के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लुईस अपनी गोल्फ स्टिक को बहुत जोर से घुमाता है, जिस वजह से वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब कुछ समय बाद की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मरमेड को होश आ चुकी थी और लुईस उससे पूछताछ करने लगता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो मरमेड बोलती है कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था यहाँ पर। तो लुईस यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और दो चार रोकड़े की पेटी उसके मुंह पर फेंक के मारता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन वो लड़की इस पैसों से नहीं मानती, तो वो लड़की बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी पैसे नहीं चाहिए। तो ये बात सुनकर लुईस बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो बोलता है कि तो अब क्या करूं मैं, पूरी की पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मेरे साथ बाहर चलो खाने के लिए। तो लुईस यहाँ पर पहले तो बहुत ज्यादा मना करता है, मतलब नखड़े दिखाता है, लेकिन फिर आखिरकार वो मान जाता है और वो दोनों चले जाते हैं एक ढाबे पर खाने के लिए। तो वो लोग वहाँ पर बहुत सारे खाना पीना खाते हैं और बहुत सारे राइडिंग्स भी करते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह। और आखिर में लुईस मरमेड को लेकर उसके घर में जाता है उसे ड्रॉप करने के लिए, और यहाँ पर मरमेड के बंदे बिल्कुल तैनात थे लुईस को मारने के लिए। लेकिन मरमेड यहाँ पर लुईस को घर भगा देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लुईस यहाँ पर मारा जाए। तो ये देखकर मरमेड की टीम के बंदे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है मरमेड के ऊपर और वो बोलता है कि हमारे पास एक ही चांस था और तुमने उसे भी गवा दिया। और तभी मरमेड की मोबाइल दोबारा से बजने लगता है और वो देखता है कि ये लुईस का ही फोन था। तो वो मरमेड कॉल उठाती है और दूसरी तरफ से लुईस बोलता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लुईस और मरमेड दोनों ही एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे खाना पीना खाने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही ऑक्टोपस बॉय वहां पर आ जाता है एक शेफ बनकर। मौका देखते ही वो ऑक्टोपस बॉय अपने सारे के सारे टेंटिकल्स को निकाल लेता है और सारे के सारे टेंटिकल्स में एक एक करके हथियार होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लुईस की गार्ड्स आ जाता है, जो देखकर ऑक्टोपस बॉय अपने सारे के सारे हथियार फेंक देता है। और तभी वहाँ पर दो और सेफ आ जाता है और वो दोनों ऑक्टोपस बॉय की टेंटिकल्स को काटने लगता है, मारने लगता है, पीटने लगता है और फ्राई करने लगता है, जो वो ऑक्टोपस बॉय सह नहीं कर पाता और सभी के मुंह पर एक काला इंक छिड़क के वहां से भाग जाता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद लुईस जो है वो मरमेड को प्रपोज कर बैठता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मरमेड यह बोलती है कि हम लोग तो कल ही मिले हैं और तुम इसी बीच शादी का भी प्लान बना लिया। तो लुईस बोलता है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। और इतना बोलते ही लुईस मरमेड को बुरी तरीके से चूसने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रूलैन आ जाती है और ये देखकर मरमेड वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे लुईस भी चला जाता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मरमेड के सारे टीम मेंबर मिलकर मरमेड के ऊपर पूछताछ कर रहा होता है और बोलता है कि आखिर तुमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, और बोलता है कि कहीं तुम लुईस की प्यार में तो नहीं पड़ गए। लेकिन यहाँ पर वो मरमेड जो होती है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर लुईस आ जाता है और वो मरमेड झक से दरवाजे को खोल देती है, जिस वजह से लुईस को सब कुछ दिख जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मरमेड है और एक ऑक्टोपस बॉय भी है। और वो ये सब देखकर भागने जा ही रहा होता है कि तभी उसको एक बोरी के अंदर बांध कर उसको बेहोश कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुईस को बांध कर रखा हुआ होता है और उसके ऊपर पूछताछ किया जाता है, जहाँ पर ऑक्टोपस बॉय लुईस के ऊपर पूछताछ कर रहा होता है और पूछताछ करने के बाद सभी मेंबर्स को बोलता है कि इसको मार दो। लेकिन लुईस यहाँ पर बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे मार दोगे तो सोनार को किसी कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। तो ये बात सुनकर टीम मेंबर्स तो रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑक्टोपस बॉय बोलता है कि कोई बात नहीं इसको मार दो। लेकिन सारे टीम मेंबर्स यहाँ पर रुक जाते हैं, तो ऑक्टोपस बॉय खुद ही उसको मारने की डिसीजन लेता है और अपनी टेंटिकल से उसकी गर्दन को जकड़ लेता है, जिस वजह से वो मरने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर मरमेड आ जाती है और उसकी टेंटिकल को काट देती है और लुईस को बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो लुईस यहाँ पर पानी में कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब लुईस पहले तो पुलिस स्टेशन में जाता है और फिर अपने मैनेजर के पास जाता है और ये सारे के सारे बातें बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सारे बंदे उसको पागल समझ रहे थे और उसके ऊपर हंस रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर रोलैन आ जाती है और लुईस रोलैन को हग कर लेता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुइस और रोलैन दोनों ही एक बेडरूम में थे, लेकिन यहाँ पर लुइस जो है वो रोलैन को छोड़कर कुछ मरमेड के ऊपर रिसर्च करने में लगा हुआ था। तो रोलैन अब लुइस को अपने पास बुलाती है, लेकिन लुइस जो है उसके पास जाकर उसके नीचे से अपनी कोट को निकालता है और वहां से चला जाता है, मतलब कतई सख्त लौंडा। तो ये देखकर रोलैन बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और चीख उठती है। तो अब लुइस बेडरूम से निकल के सीधा चला जाता है अपनी ऑफिस में, और ऑफिस में पहुंचने के बाद वो अपने वर्कर से बोलता है कि मुझे सोनार चैम्बर में ले चलो। तो वो लोग लुइस को सोनार चैम्बर में घुसा देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अब लुइस ऑर्डर देता है कि सोनार को ऑन करो, और सोनार को ऑन करते ही एक बहुत ही बड़ी साउंड वेव उसकी तरफ आता है, और जिस वजह से उसकी कान फटने ही वाला होता है। तभी वो बोलता है कि सोनार को जल्दी से बंद करो। ये सब देखने के बाद लुइस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि इससे तो किसी की जान भी ले जा सकता है। तो अब लुइस डिसाइड करता है कि वो सोनार को ऑफ कर देगा और एक बोर्ड बीडिंग करवाता है, जिसमें वो बोलता है कि मैं सोनार को बंद करने वाला हूँ, लेकिन बोर्ड के सारे मेंबर्स बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं किया जा सकता, तुम अभी सोनार को बंद नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहां पर रोलैन आ जाती है और बोलती है अगर लुइस बोल रहा है बंद करने के लिए तो सोनार प्रोजेक्ट अब और कंटिन्यू नहीं होगा। अब रोलैन लुइस से पूछता है कि आखिर तुम सोनार प्रोजेक्ट को बंद क्यों करना चाहते हो। तो लुइस रोलैन को मरमेड के बारे में सब कुछ बता देता है, और ये भी बता देता है कि मरमेड्स आखिर रहते कहां पर है। और मरमेड्स का पता मिलते ही रोलैन एक खुफिया जगह के अंदर चला जाता है जिसके बारे में लुइस को भी नहीं पता था, जहां पर हम देखते हैं कि रोलैन चोरी छुपे मरमेड के ऊपर रिसर्च कर रही थी। और ये सब देखकर लुइस बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो बोलता है कि यहां पर ये कब बना और इसके बारे में मुझे पता क्यों नहीं था। तो रोलैन यहाँ पर लुइस को अपनी सारी की सारी प्लानिंग बता देती है। वो बोलती है कि मैं हर एक मरमेड को पकड़ लूंगी, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, और उन लोगों के ऊपर रिसर्च करूंगी जिस वजह से हम लोग माला माल हो जाएंगे। लेकिन लुइस को ये सब बातें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इस बातों का विरोधिता करने लगता है। लेकिन फिर भी रोलैन अपने बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर पहुंच जाता है उसी जगह पर जहां पर मरमेड रहा करते थे, यानी कि वही टूटी फूटी शिप के पास। और वहाँ पहुँचते ही वो लोग अंधाधुन गोलियाँ बरसाने लगता है, जिस वजह से बहुत सारे मरमेड मारे जाते हैं और बहुत सारे मरमेड उछल के किनारे तक आ जाते हैं। और किनारे पर आते ही वो लोग उनके ऊपर चक्कुआ बरसाने लगता है, जिस वजह से बहुत सारे मरमेड मारे जाते हैं, और एक दो मरमेड को वो लोग बोरिया में बंद भी कर लेते हैं। अब बहुत सारे सोल्जर्स वो लड़की मरमेड के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मरमेड बहुत ज्यादा कोशिश करती है बचने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। तभी हम देखते हैं कि एक मरमेड एक ब्लास्ट के वजह से शिप से बाहर गिर जाती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि सोनार वेब बंद हो चुकी है, और इसलिए वो सभी मरमेड्स को बाहर बुला लेती है। और बाहर जाने के बाद सभी चले जाते हैं पानी के अंदर, लेकिन वो लड़की पानी के अंदर नहीं जा पाती, और सोल्जर्स उसकी पूंछ पर एक एंकर फंसा देते हैं जिसके पीछे दो एयर ड्रम्स लगे होते हैं, जिस वजह से वो लड़की पानी के अंदर नहीं जा पाती। अब रोलैन हेलीकॉप्टर से उस मरमेड का पीछा करने लगती है, और पीछा करते करते एक आरपीजी उस मरमेड के ऊपर दे मारती है, जिस वजह से वो मरमेड उड़ के किनारे पर अटपकती है और वो बहुत ही ज्यादा घायल भी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाते हैं लुइस, और वो उस मरमेड को अपनी गोदी में उठाकर पानी की तरफ ले जाता है। लेकिन रोलैन उसके पीछे से दो तीन तीर बरसा देता है जो उसके सीने में जाकर घुस जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और मरमेड को ले जाकर पानी में फेंक देता है, और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं लुइस अपने सब कारोबार बंद कर चुका था और अपने सारे पैसे डोनेट कर दिए थे नेचर के ऊपर ताकि नेचर पॉल्यूशन फ्री हो सके, और उसके साथ वो मरमेड गर्ल भी थी और वो दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। और यहाँ होता है मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो आप लोगों को मूवी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।